आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का जो सेशन है 2020 से 2023 का। आप लोग का रिजल्ट आया, मार्कशीट भी ले लिए हैं, तब तक आपका वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन ज़रूरी सूचना है 2020 से 23 वाले छात्रों के लिए। अब जिनका 2023 से 20 है या आपका सेशन 2019 है, आपका यदि मार्कशीट त्रुटि है तो सुधार तो करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, अब जो ये मार्कशीट है, मार्कशीट के साथ साथ क्या क्या मिलता है आपको हम बता देते हैं। सर्वप्रथम जैसे कि आप सभी का रिजल्ट जो है ऑनलाइन चेक किए थे, ऑनलाइन चेक करने के बाद आप अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाने के बाद अपना मार्कशीट ले लीजिए। छात्रों का मैसेज आ रहा था कि 2020 से 23 का जो रिजल्ट आया था, मार्कशीट भी हम अपने कॉलेज से ले लिए हैं, कॉलेज से लेने के बाद जो हमारा मार्कशीट है, मार्कशीट के साथ प्रोविजनल, देखिए प्रोविजनल क्या कहलाता है, इसके बाद माइग्रेशन क्या कहलाता है, इसके बाद ये सनद यानी कि डिग्री सर्टिफिकेट क्या कहलाता है, ये आपको हम बता देते हैं। 2020 से 23 वाले छात्र इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को छोड़कर नहीं जाना है, चैनल से जुड़े रहना है, तमाम जानकारी आपको नौकरी का अपडेट आपको देते रहते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप मार्कशीट ले लिए हैं कॉलेज से, कोई त्रुटि है तो आप कॉलेज में इसका एप्लीकेशन दीजिए, मार्कशीट सुधार हो जाएगा। इसके बाद आपको लेना है प्रोविजनल। प्रोविजनल क्या होता है कि प्रोविजनल मार्कशीट के साथ ही मिलता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों में नहीं गया है, तो हो सके तो 15 से 20 दिन एक महीना में हम लोग मार्कशीट के साथ साथ प्रोविजनल भी पहुंचा देंगे। मार्कशीट अपने कॉलेज से ले लीजिए, प्रोविजनल भी एक महीना में पहुंचा देंगे, ये बोल दिया जाएगा विश्वविद्यालय को, तो वो छापेगा और कॉलेज में भेजेगा, तो प्रोविजनल भी आप लोग जाकर ले लेंगे। प्रोविजनल क्या होता है, एक होता है डिग्री, देखिए डिग्री जो सर्टिफिकेट होता है ये आपको 3 साल बाद मिलेगा। अभी जो सेशन है 2017 से 20 का ही मिल रहा है, इसके बाद 18 वाले को मिलेगा, 19 वाले को मिलेगा, तब 20 वाले को मिलेगा। अभी 2017 से 20 का मिल रहा है, 18 वाले को नहीं मिल रहा है, ना 19 वाले को मिल रहा है, तो 20 वाले तो अभी दूर हैं। सिर्फ कोई भी नौकरी होगा तो मार्कशीट प्लस प्रोविजनल मांगेगा, नौकरी भी लगेगा तो आप प्रोविजनल पर नौकरी कर सकते हैं, 3 साल बाद डिग्री दे सकते हैं। मार्कशीट प्रोविजनल एक महीना बाद कॉलेज में जाकर ले लीजिएगा। फॉर्म भी भरते समय प्रोविजनल मांगता है, यदि प्रोविजनल का यदि आवश्यक हो गया, प्रोविजनल जो है अति आवश्यक हो गया, आपको लेना ही लेना है, प्रोविजनल कहीं देना है, तो आप ये ऑनलाइन आरा यूनिवर्सिटी में जाकर ले सकते हैं। साथ ही आप अपने विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज से जुड़े हैं टीसी जाकर निकलवा लीजिए अपने कॉलेज से। टीसी कैसे निकलता है, जैसे कि जितने कॉलेज हैं, किसी किसी कॉलेज में ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाता है आवेदन, उस कॉलेज का गूगल पर नाम लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि एसपी जैन है, तो आपको लिखना है एसपी जैन सासाराम, एसपी जैन यहाँ पे लिखेंगे जैन सासाराम, यहाँ पे लिख दिए। अब एसपी जैन के वेबसाइट पे आ गए तो मान लेते हैं कि इसका जो टीसी का ऑनलाइन है प्रक्रिया, ये तो ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई टीसी है, सीसी है, तो ये तो मान लीजिएगा हम यहाँ पर ऑनलाइन कर देंगे अप्लाई टू फॉर टीसी, यहाँ पर ये हम कर दिए, तो ये तो पोर्टल यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से नाम जो भी भर देंगे। अब किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि ऑफलाइन मोड में होता है, क्या होता है ऑफलाइन मोड में होता है, तो ऑफलाइन मोड में होता है तो ऑफलाइन के लिए आप वहाँ पे चालान कटवाएंगे, चालान कटवा के इसके बाद वहाँ पे जमा करेंगे, हो सके तो 25 से 100 रुपया तक चार्ज किया जाता है, इसका चार्ज है, वहाँ पर टी सी आपको ले लेना है। अब आप प्रोविजनल भी मिल गया आपको, मार्कशीट भी मिल गया, इसके साथ डिग्री का भी बता दिए हैं कि डिग्री कब मिलता है, ये 3 साल बाद मिलता है। जब डिग्री आपको मिल जाएगा तो प्रोविजनल का काम जो है समाप्त हो जाता है, जब तक डिग्री नहीं रहता है तब तक प्रोविजनल काम आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको प्रोविजनल का समाप्त कब करना है, तो डिग्री मिल जाएगा तो आपका प्रोविजनल का जो सत्यापता है, मतलब कि इसका डिग्री का जो मूल रहेगा ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोग डिग्री यानी कि कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, यूजी कर लिए हैं, तो यूजी करने के बाद अब कहीं आप तो पीजी करेंगे या आप बीएड करेंगे या आप अन्य जो कोर्स भी करेंगे, जो भी कोर्स करेंगे, अब उस कॉलेज में तो रहेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है कि फटाफट उस कॉलेज से टीसी निकलवा लेना है, टीसी निकलवा कर रख लेना है,
टीसी के साथ सीसी होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका करेक्टर कैसा रहा उस कॉलेज के प्रति, करेक्टर सर्टिफिकेट भी निकलवा लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री 3 साल बाद मिल ही जाएगा। इसके बाद अब जो जानकारी है प्रोविजनल के रिगार्डिंग बता ही दिए हैं, आपका उस कॉलेज से नाम कट जाएगा, टीसी आप ले लेते हैं तो इसके बाद उस कॉलेज में नामांकन कट जाएगा, तो आगे कोई भी कोर्स करेंगे उसमें आप टीसी का जो अनिवार्यता होता है टीसी आप जाकर दे सकते हैं। अन्य जो जानकारी है कमेंट के माध्यम से पूछिए, जवाब मिलता ही मिलता है जैसे कि आप लोगों को पता है पहले से भी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।